नमस्कार आप सभी का बेहद स्वागत है सी आई टी एन सी आर टी के लाइव फोन इन इंटर कार्यक्रम में मैं हूं तनवी खुराना और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर नौ पर नवी कक्षा के सभी छात्र हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज के इस सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के कार्यक्रम में आज इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है पेस्ट्रलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड या फिर हम कहेंगे आधुनिक विश्व में चरवाहे अब चरवाहों के बारे में जानकारी आपको आज के हमारे मेहमान देंगे आपके पास कोई भी सवाल है इस विषय से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन कीजिएगा नंबर है आठ आठ शून्य शून्य चार चार शून्य पाँच पाँच नौ अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन बताना चाहेंगे इस वक्त आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर एन सी ई आर टी पी एम ई विद्या चैनल नंबर नौ पर और आइए परिचय करवाएंगे हमारे आज के मेहमान से हमारे साथ हैं डॉक्टर साईनाथ खबारे स्वागत है सर आपका उसका सर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंसेज एन नई दिल्ली से तो चलिए सर से पूछते हैं कि एक छोटा सा परिचय अगर सर इस विषय के बारे में देना चाहेंगे आधुनिक विश्व में चरवाहे तो सर क्या बताएंगे आप हमें चरवाहों के बारे में थैंक यू मैडम आज का जो सत्र है और सत्र में हम जिसकी जानकारी लेने वाले हैं वो है कक्षा नौ का जो सामाजिक शास्त्र विषय इतिहास का जो पाठ है आधुनिक विश्व में चरवा है इसके बारे में यहाँ हम जानेंगे हम देखते हैं कि अलग अलग विषयों में अर्थशास्त्री और सामाजिक शास्त्र इसके जो विद्वान है वो समाज के हर हिस्से का समाज का पूरी विशेषताओं की जानकारी लेना उनको महत्वपूर्ण लगता है और इसी तरह इस संदर्भ में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं चरवाहे है। उसकी जानकारी इस पाठ में दी गई है कि चरवाहे और उनका जीवन और समाज में उनका स्थान क्या है और अपने इस विषय में उनका महत्व क्या है हम जब यह जानकारी लेने का जो प्रयास करते हैं तब हमें जानकारी अलग अलग तरह की प्राप्त होती है उनका जीवन और उनकी विशेषताएं ये हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हम देखते हैं कि चरवाहे और चरगाह इसकी चर्चा इस पाठ में हुई है चरवाहे क्या है तो चरवाहे मतलब जो पशु और जैसे कि उस पशु में अलग अलग भूप्रदेशों के तरह विशेषताएं की तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग जैसे भेड़ बकरी भैंस गाय ऊंट ऐसे सारे पशु उनमें सम्मिलित दिखाई देते हैं और उनका जो जीवन था उन पशुओं का जो उदर निर्वाह था तो उसके लिए उनको घूमना पड़ता था इसलिए घुमंतु चरवाहे उनको कहा गया और ये चरवाहे जहाँ घूमते थे उस जमीन को चरगाह कहा गया चरगाह मतलब क्या कि जहाँ ये पशु अपना जो चारा उनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था वह भूप्रदेश चरगाह तो इसी सभी विशेष विषय विशे, इस विषय विशे के विशेषता के बारे में यहाँ हमें जानकारी प्राप्त होती है और हम यहाँ देखते हैं कि चरवाहें जो है पूरे विश्व में हमें दिखाई देते हैं भारत में उसके साथ साथ विश्व में भी हमें इस चरवाहों की जानकारी प्राप्त होती है उनका जीवन उनकी जो दैनंदिन प्रक्रिया थी और वो जो दैनंदिन कार्य करते थे उनकी पशुओं की विशेषता उनकी उत्पाद और उस उनका समाज में क्या योगदान रहा और जो पर्यावरण को उनका सहयोग मिला उस सारी जानकारी यहाँ पे हम देख सकते हैं और हम देखते हैं कि उनके सामने जो आधुनिकता जो समाज में परिवर्तन आया के कारण जो समस्या आई उसकी भी जानकारी हमें इस पाठ में प्राप्त होती है जिसपे हम आज चर्चा करेंगे जी सर घुमंतु चरवाहे क्या आप इनके जीवन के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं हाँ तो घुमंतु चरवाह इनका जो जीवन है देखा जाए तो उनका जीवन जो प्रथम स्तर पे जब हम देखते हैं तो उनका जीवन एक सहज था उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी विशेषताएं थीं उनका जीवन एक पर्यावरण पूरक भी था और पशुओं के लिए एक सहयोगी था लेकिन ये सब उनके एक उधर निर्वाह का साधन स्रोत भी रहा लेकिन हम देखते हैं कि आ, समाज में जो परिवर्तन आया कालांतर में जो परिवर्तन आए इसका प्रभाव उस पर बना रहा और उनको इस बड़ी परिवर्तनों के कारण जो समस्याएं भी उनको उनके सामने आई उसका भी सामना करना पड़ा उनका जीवन हम जब देखते हैं कि उनका जीवन आ, अलग अलग चरगाहों पे जाना पशुओं को चराना और उसके साथ पशुओं की जिम्मेदारी लेना पशुओं का संरक्षण करना सुरक्षितता देना और खेती करना ये उनका एक जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा उसके साथ उन्होंने उत्पाद लेना भी शुरू कर दिया था जैसे कि कंबले बनाना जैसे कि हम देखते हैं कि पशुओं में जो भेड़ बकरियाँ थी उनसे उनको ऊन उन प्राप्त होता था तो उससे वो कंबल चादरें बनाते थे, थे और उसके साथ जो दूध उत्पाद मिलता था उससे भी अलग अलग दूध उत्पाद प्रक्रिया करके उसका जो उत्पाद था वो बाजारों में वो देते थे बाजार पेटों में उसका वो बिक्री करते थे इस तरह से उनका एक जीवन था लेकिन बाद में हम देखते हैं कि हाँ उसके जीवन पे एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव होता था वो मौसम में बदलाव का भी ऋतुओं में जो बदलाव आते थे उसका भी उनके जीवन पे या उनके जो ये क्रम था उस पर बहुत बड़ा प्रभाव हमें दिखाई देता है जी सर जैसे आपने बताया कि ऋतु का मौसम हाँ। का बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है तो यही प्रभाव क्या आप हमें और थोड़ी डिटेल हाँ। में बता सकते हैं ये तो हम देखते हैं कि ऋतु में बदलाव जी हर देश में हर जैसे कि भारत में भी हम ऋतु में मौसम में बदलाव हमें दिखाई देता है तो बदलाव का प्रभाव चरवाहों और चरगाह पे होता था जैसे कि हम देखते हैं कि जो बारिश का मौसम है ठंड का मौसम है और गर्मियों का जो मौसम है उस कारण चरगाहों पे परिणाम होता था ठंड के ऋतुओं में मौसम में चरगाहों पे बर्फ जम जाती थी तब उनको वहाँ से स्थलांतर करना आवश्यक था पशुओं के लिए जो चारा आवश्यक था वो उनको वहाँ से स्थलांतर करके अलग अलग भूमि भूप्रदेश भु, में जाकर ही उनको पर्याप्त होता था इसलिए उनको वहाँ से जाकर आगे की जो चरगाह थे उनका शोध करना आवश्यक था इसलिए उनको घुमंतु चरवाहे कहा गया ऋतु का बहुत महत्व उनके दिनचर्या पे रहा उनके जो ये विशेषताएं रहीं उसमें ऋतुओं का बहुत महत्व रहा ऋतुओं के कारण वो पहाड़ों पे और या पहाड़ों के नीचे ऐसा भी क्रम उन्होंने किया उनके इस सारे उत्पाद भी हम जब देखते हैं तो उस पर भी ऋतुओं का एक प्रभाव विशेष पूर्ण रहा और इस तरह से उनका एक जीवन ऋतु और मौसम पे एक आ, अवलंब अवलंबित रहा ऐसे हमें दिखाई देता है जी सर आप बताना चाहेंगे चरवाहे किन चीज़ों का उत्पाद करते हैं हाँ तो चरवाहे हम देखते हैं कि उनका जीवन जो था जो कि चरवाह और चरगाह ये एक दूसरे से तो साथ में है ही लेकिन उनके जो साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण उदर निर्वाह का स्रोत था उनका जो पशु थे तो उनके पशुओं में जब हम देखते हैं कि उसमें बहुत सा भेड़ बकरियाँ गाय भैंस मवेशी ऊंट इतने सारे पशु थे तो सबसे महत्वपूर्ण उनका उत्पाद दूध या दुग्ध था उससे वो अलग अलग तरह के उत्पाद बनाते थे जैसे कि मक्खन दही घी और ये बाजारों में उसका बिक्री करते थे उसको बाज़ार में वो उससे मुनाफा प्राप्त करते थे उसके साथ जो ऊन प्राप्त होता था उससे भी उन्होंने चदर आ, या कंबल बनाना शुरू कर दिया था उससे भी उनको कुछ मुनाफा होता था और जंगलों में जो लकड़ियाँ प्राप्त होती थी उसको भी वो उत्पाद आ, समझते थे उसका भी उपयोग वो बाज़ारों में देकर उससे कुछ धन प्राप्त कर सकते थे एक समुदाय है धनगर चरवाहा समुदाय क्या आप इस समुदाय की कुछ विशेषताएं हमारे सभी दर्शकों से साझा करना चाहेंगे इस पार्ट में हम देखते हैं कि बहुत सारे समुदाय पे चर्चा हुई है जी। भारत में हम जो चरवाहे जब देखते हैं तो उस राज्य या भू प्रदेश के हिसाब से चरवाहे और उनका सम, आ, समुदाय और उनकी संस्कृति हमें दिखाई देती है जो चरवाहे अलग अलग आ, संस्कृति अपनी संरक्षित करके आ, वो वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते थे उसी में से एक विशेष पूर्ण है समुदाय धनगर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में हमें प्रथम प्राथमिक स्तर पर ये चरवाहे दिखाई देते हैं इनकी बहुत सारी विशेषताएं हमें दिखाई देती है जैसे कि उनके जो पशु में हम प्रथम दिखाई देते हैं कि भेड़ बकरियां और उसके बहुत बड़े गडेरे उनके रहते थे उनकी बहुत बड़ी मात्रा में संख्या मात्रा में वो उनका आ, 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 सुरक्षित करते थे उनका पशुओं का संभाल करते थे और वो देखते हैं कि उनके बने हुए ऊन से कंबल बनाते थे चद्दर बनाते थे और उस उत्पाद का बाजार पेटों में हम देखते हैं कि उनकी उससे आय उनको बहुत अच्छी थी प्राप्त होती थी उन्होंने अपने संस्कृति में एक संगीत नृत्य का भी आ, उन्होंने जो है वो विशेषता पूर्ण हमें दिखाई देता है और धनगर आज भी हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में ये बड़ा समुदाय रहा अपनी संस्कृति के कारण उनकी आज भी पहचान रही है आज भी ये चरवाह बहुत तो बड़ी मात्रा में इस संस्कृति का आज भी पालन करते हैं आज भी उन पशुओं का संभाल करते हुए वो दिखाई देते हैं जी सर so, जैसे आपने बताया कि इस पाठ में बहुत सारे समुदाय के बारे में दिया गया है धनगर एक समुदाय है और दूसरा समुदाय है बंजारा चरवाहा समुदाय क्या आप थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में देंगे हमें? हाँ, तो, आ, साथ साथ हम? तो बंजारा समुदाय जो है चरवाह तो देखते हैं कि बहुत भारत में अलग अलग राज्यों में जो बंजारा घुमंतु एक समुदाय हमें दिखाई देता है जो कि घूमता हुआ यह समुदाय दिखाई देता है जैसे कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात और अलग अलग राज्यों में भी हम इस बंजारा समुदाय को देख सकते हैं बंजारा समुदाय भी अपने पशुओं के साथ चरगाह के लिए घूमता दिखाई देता था दिखाई देता है और उन उसके साथ उन्होंने विशेषपूर्ण एक खेती भी की और हम देखते कि बहुत सारे साहित्य में भी उनका उल्लेख हुआ है काव्य में भी पद्य में भी उनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है और हम देखते हैं कि बंजारा भी एक चरवाह विशेष पूर्ण रहा उनके का जो पशु के चरगाह थे चरगाह के लिए जो उन्होंने जो घूमना या आना जाना किया उसके कारण उनकी जा, जानकारी हमें थोड़ी बहुत प्राप्त होती है हम देखते हैं कि उनकी भाषा भी अलग अलग है अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते लेकिन लिखित स्वरूप में इन चरवाहों के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त नहीं होती है लेकिन ये समाज के लिए या हमारे संस्कृति या इतिहास के लिए उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है जी सर चरवाहों के जीवन पर हम जब चर्चा करें हैं तो चरवाहों के जीवन पर औपनिवेशिकवाद का क्या प्रभाव पड़ा कुछ बताना चाहेंगे हाँ तो ये इस पाठ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा या प्रश्न होगा कि हम देखते हैं कि ये चरवाह चरगाह ये हर देश में महत्वपूर्ण थे महत्वपूर्ण इनका स्थान था चरगाह ये चरवाहों के लिए ही उपयुक्त नहीं थे पर्यावरण उस देश के उस समाज के लिए ये उपयुक्त थे और उसके साथ चरवाह इस पर अपने पशुओं का चरगाह के लिए या आने जाने के लिए उसका उपयोग करते थे लेकिन जब हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने अपना उपनिवेश या साम्राज्यवाद के कारण उन्होंने अलग अलग राष्ट्रों पर अपना साम्राज्य निर्माण किया अपने नियंत्रण में बहुत सारे राष्ट्र को लिया तब हम देखते कि उन्होंने बहुत सारा शोषण शोषण या दमनात्मक योजनाएँ वहाँ पे नीतियाँ उसका अवलंब किया उसके कारण इसका एक बहुत बड़ा परिणाम यह यहाँ हमें दिखाई देता है जैसे कि उपनिवेशवाद के कारण हम इस चरवाहों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उनके संस्कृति पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा चरगाह जो थे उन वो भी सिमट गए जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रिटिशों के लिए ये चरवाह और चरगाह जो थे वो बेकार थे इससे कोई उनका मुनाफा नहीं था कोई मुनाफा नहीं था या आर्थिक उसमें उनका उनको कोई उत्पाद मिलता नहीं था इसीलिए उनको ये जो आ, ये जो संस्कृति थी उनको बेकार लगती थी जो चरगाह थे वो खेती योग्य होना चाहिए इससे कुछ उपयोग होना चाहिए आ, ऐसे उनका विचार था उनकी नि, उनकी नीतियाँ थी क्यों खेती योग्य मतलब ऐसा हम यहाँ समझना भूल होगी कि खेती योग बनाना एक अच्छी बात है लेकिन यहाँ खेती योग मतलब जो ब्रिटिशों के लिए उपयुक्त था वही उत्पाद वहाँ पे लिया जाता था जैसे अलग अलग देवदार वृक्ष हो गए साग के वृक्ष हो गए कपास की खेती नील की खेती या ब्रिटिशों के लिए जो एक औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके लिए जो एक आ, उनके लिए एक जो साधन थे जिसे हमें रॉ मटेरियल या आ, कच्चा आ, जो माल बोलते हैं या रॉ मटेरियल उसका उत्पाद होना आवश्यक था उसी से ही वो कुछ बना सकते थे और उससे मुनाफा कमा सकते थे इसलिए उनके दृष्टि में यह जो चरगाह थे वो बेकार थे इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पे खेती करने के लिए वहाँ के वन काटे पेड़ काटे और वो वह ज़मीन अपने किसी सहयोगी को दिया और उनको खेती करने के लिए उस प्रोत्साहित किया और उन्होंने उससे एक मुनाफा कमाने का एक स्रोत उसको बनाया उसके साथ ये चौरगाह थे वो लगान वसूलने के लिए भी एक स्रोत उनको बनाना था चरवाह जो थे चरगाह थे वो लगान नहीं देते थे और ये जो निसर्गतः चरगाह बने थे वो किसी एक मालिक के नहीं थे इसलिए लगान वसूलने के लिए वहाँ पे कोई एक निमित्त नहीं था तो उनको यहाँ पे किसी का मालिक बनाना ये आवश्यक था और चरवाह भी थे वो घुमंतु थे तो इस जमीन पे जो चारे के लिए वो पशु घुमाते थे आना जाना करते थे उससे उनको कोई मुनाफा नहीं था इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कुछ कानून बनाए इसलिए चरवाहों के सामने बहुत बड़ी समस्याएँ प्राप्त हुई उन्होंने एक तो वह चरगाह खेती में उसका बदलाव किया खेती का प्रसार बढ़ाया फिर उसके बाद कुछ आ, वन कानून लाए उसके कारण भी चरवाह का आना जाना उस पर कुछ पाबंदियाँ आगे आई उसके बाद उन्होंने जो स्टेट बनाए राज्य बनाए भूप्रदेश शहर बनाए उससे कुछ हम देखते हैं कि सीमा रेशाएँ आगे आई तो उसके कारण भी उनको आ, कुछ इसमें नियंत्रण या कुछ ऐसी समस्या निर्माण हुई कि उसके कारण उनका आना जाना मुश्किल हो गया और इस सारे उपनिवेशवाद के कारण उनका जो पूरा जीवन था वो प्रभावित हो गया उस कारण उनके जो पशु थे चारा ना मिलने के कारण उनका मृत्यु बड़ी संख्या में होना शुरू हो गया वो भूखे उनका मृत्यु होने लगा और इस कारण पशु संभालना एक बहुत बड़ी समस्या उनके लिए बनी जो कि उनके सबसे बड़ी विशेषता थी और उनके पशु ही उनके लिए आज समस्या बन चुकी थी ये जो अधिनियम थे कानून जो बने थे उसमें सिर्फ उन ब्रिटिश शासनों का ही ज़्यादा मुनाफा था ब्रिटिश शासनों ने आद, वन कानून भी बनाए कुछ कानून हमें लगते हैं कि सुधारणात्मक है लेकिन ब्रिटिशों की कोई भी सुधारणा हमें जब अभ्यासपूर्णतः से हम जब देखते हैं तब हमें पता चलता है कि कहीं भी सुधार लाने के लिए नहीं थे उनके विशेष मुनाफे के लिए उनका जो भविष्य में कुछ ना कुछ फ़ायदा वहाँ से हो सके उसी तरह से उन्होंने यहाँ पर नीतियाँ लाई थी और हम देखते हैं कि कुछ कानून उन्होंने लाए उनके समाज पे भी कुछ कानून लाए जिससे समाज ने उनको एक अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दिया इसलिए भी वो समाज से संकुचित हो गए अलग अलग तरह से जो कानून आए उनका भूत प्रभाव उनके संस्कृति पे पड़ा और जो कि चरगाह थे वो छीने गए पशु की मृत्यु हुई और हाँ हा, हम देखते कि धीरे धीरे चरवाह की संस्कृति समेटती गई ऐसा हम देखते हैं ये सारे परिणाम वाद के थे ब्रिटिश के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के कारण ये परिणाम हम देखते हैं चरवाह के ऊपर उप, रहा जी सर, जैसे आपने बताया कि चरवाह बेहद महत्वपूर्ण हुआ करते हाँ। थे पर समय के साथ बहुत सारे बदलाव आए जब आ, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने yes. बहुत सारे बदलाव किए नियम बदले तो इस दौरान जो चरवाह थे उन्होंने इन मुश्किलों का कैसे सामना किया इन बदलावों का कैसे सामना किया आ, ये बदलाव और ये समस्याएं थी इसमें उन्होंने कुछ पर्याप्त कुछ वहाँ से आ, उन्होंने इस समस्याओं का सामना तो किया लेकिन इसमें बहुत बड़ा उनका नुकसान हमें दिखाई देता है उन्होंने इस परिस्थितियों का सामना किया उन्होंने अपने जो पशु धन था उनका उसको उन्होंने बड़ी मात्रा में कम कर दिया उसके साथ उन्होंने जो उनका अर्थ जो स्रोत था उनके उधर निर्वाह का तो बदल दिया कालांतर जो परिवर्तन उनको दिखाई देता था जो समस्या आ रही थी उसमें उनका जो रोजी रोटी का जो प्रथम जो जो प्रश्न था उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरह के स्रोत अपनाना शुरू कर दिया जो अपना मूल था मूल संस्कृति थी चरवाह ये उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया अपना पशु का जो समूह था वो कम कर दिया चरगाह पे जाना कम कर दिया और उन्होंने जो परिवर्तन जो दिखाई देते थे उनका स्वीकार कर लिया और हम देखते कि इसका एक हम हमारे समाज पे भी प्रभाव हुआ एक पर्यावरण पे भी प्रभाव हुआ क्योंकि ये जो पशु घूमते थे इसके कारण हमारी जो ज़मीन थी वो उपजाऊ बनती थी क्योंकि जो पशु घूमते थे उसका जो खान पान खान था चारा था वो खाते थे और जो उनका गोबर जो जमीन पे प्राप्त होता था उससे वो ज़मीन फिर से रिसाइकल होती थी और इस कारण ये जो पूरा चक्र था यहाँ पे पूरा बदल गया था और उन्होंने ये सारी परिवर्तनों को देखकर उन्होंने इसमें खुद को एक आ, अच्छी तरह से परिवर्तनों का स्वीकार उन्होंने किया दिखाई देता है लेकिन इसमें उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उन्होंने इसमें अपने आप को संभाला हुआ दिखाई देता है जी बिल्कुल सर हम आधुनिक विश्व में चरवाहों की बात कर रहे हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है पर क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं बच्चे घर पर है तो आप इसी विषय से इसी पाठ से जुड़े कुछ एक एक्टिविटी कुछ एक होमवर्क देना चाहेंगे बच्चों को हाँ तो हम देखते कि चरवाह चरगाह जी आ, के बारे में हमने चर्चा की है तो विश्व में हम बड़ी संख्या में चरवाह देखते हैं चरगाह देखते हैं तो उसके बारे में हम जान सकते हैं जैसे कि भारत भी ले सकते हैं या विश्व भी ले सकते हैं जैसे कि इस पाठ में अफ्रीका भी संदर्भ दिया गया है अफ्रीका में जो चरवाह और चरगाह थे उनके संस्कृति के बारे में बताया है तो आप भारत या अफ्रीका या विश्व ऐसा कोई भी एक भाग लेके आप वहाँ के जो चरवाह थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनके जो संस्कृति थी उनके विशेषताएं थी उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर उसका जो जो भी आपको संदर्भ प्राप्त होते हैं उनकी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं जी बिल्कुल सर मुझे लगता है बच्चे ज़रूर इकट्ठा करेंगे और ये एक्टिविटी करके उन्हें बहुत सारी जानकारी तो प्राप्त होगी ही होगी साथ ही साथ वो हम तक भी ये जानकारी पहुँचाएंगे आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं डी टी एच डॉट क्लास नाइन ऐट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर सर आपका बेहद धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारी आपने ऐसी जानकारी दी जो तो मुझे लगता है बच्चों के लिए नई थी और अगर उन्होंने पाठ नहीं पढ़ा होगा तो उन्हें बेहद पसंद भी आई होगी बेहद धन्यवाद सर धन्यवाद सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आशा करते हैं आपको ये सामाजिक विज्ञान का कार्यक्रम पसंद आया होगा इस जानकारी से और अपनी जानकारी जोड़िए और सर ने जो होमवर्क दिया है वो भी ज़रूर कीजिएगा इसी के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं आने वाला अगला कार्यक्रम है मैथ्स का कार्यक्रम यानी कि गणित का कार्यक्रम आप पढ़ने वाले हैं सर्कल्स भाग तीन कक्षा नौ के सभी छात्र हमारे साथ जुड़े रहिए कहीं मत जाइएगा ई विद्या चैनल्स देखते रहिए मैं तानवी खुराना आप सभी से मांगूंगी इजाज़त हैव अ गुड डे थैंक यू नमस्कार